व्हाट इज अप एंड वेलकम टू द ब्लॉग वीडियो। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था, मैंने पूरे फकीर वाले का आप लोगों को टूर करवाया था, जो यहाँ पे फेमस है जो यहाँ पे फेमस नहीं है, सब चीज़ें आप लोगों को दिखाई थी। लेकिन उनमें से कुछ चीज़ें रह गई थी जो मैंने आप लोगों को अभी नहीं दिखाई, वो आज की वीडियो में दिखाऊंगा। और अहमद आया हुआ है, वो पीछे खड़ा है बाइक पे, पिक्चर वगैरह ले रहा है। तो आज धूप बहुत ज़्यादा थी तो मैंने मास्क पहन लिया, तो शेड भी लेके आए हैं और अब अहमद के पास चलते हैं। तो आज के ब्लॉग की जो सारी जिम्मेदारी वो अहमद के सर पे डालने वाला हूँ, जो चीज़ें रहती वो अहमद ही दिखाएगा, मुझे इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो अहमद से मिलते हैं। तो ये रहे अहमद जी। सर क्या हाल चाल ने? ठीक हो? हाय कहते सारे। हाय। सो आज के ब्लॉग की जो सारी जिम्मेदारी वो आपके सर पे डालने वाला हूँ। मेरी वीडियो नहीं सही खूबसूरत हूँ या नहीं? मिनट नहीं, मैंने देखा भैड़े गए। अच्छा ऐसे होते पंजाबी भी लोग। अच्छा जरा सा खुद को ना देख लेना कि अच्छा आ रहा है फिल्टर लगा के, तो कहते यार बस खींच दे फोटो फिर की थे। आधे घंटे से बंदा बैठा हुआ है पिक्चर ले रहा है खुद की। अच्छा यार मजाक की बात है साइड पे रह गई, आज कहाँ पे लेके जाना है? सर पिछले व्लॉग में हमने जो बनाया था ना, उसमें हमने टूर किया था फकीर वाली का, पूरी फकीर वाली का है ना, ऐसे ही है ना जी। तो इसमें कुछ दो तीन मुकाम ऐसे हैं जो रह गए थे, उनमें फिल्टर प्लांट है दो। ओके ठीक है, हमारे सिटी को जो वाटर सप्लाई करते हैं तो वो हम दिखाएंगे अपने व्यूवर्स को। और एक वो हमारे सिटी में है, छावनी है फौजियों की, बहुत बड़ी, तो उसका भी टूर करवाएंगे आपको जितना हो सका। अलाव तो नहीं है ना वहाँ पे? अलाव नहीं है, लेकिन अलाव नहीं हो जितना हो सका वो करेंगे। बाकी जो कुछ रह गया वो भी दिखाएंगे इन सब। ठीक है, तो करें अपनी लैम्बोर्गिनी स्टार्ट। हाँ जी लैम्बोर्गिनी स्टार्ट। तो चलो आप लोगों को मिलते हैं। सोनी कुड़ी तो मोटी मोटी अख रख रख। सर ये है फिल्टर प्लांट। ओके ठीक है, जो नदी है ना हमारे शहर को, जो भी नदी लगती है हमारे शहर से आउट ऑफ सिटी है, तो वो जो है उसका पानी यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है। ये दिखाएं, ये देखें, ये दिखाएं ना ज़रा, ये प्लॉट भरे हुए हैं। इधर दिखाएं, वो नज़र नहीं आएगा पानी, लेकिन वो भी प्लॉट भरे हुए हैं, ये भी हैं, ये देखें। तो उस नदी का पानी जो है ना यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, फिर यहाँ पे जो मोटेलसों में कह रहे हैं कि वाटर सप्लाई जिसे कहते हैं, वो देखें, वो सामने देखें, वो प्लांट लगे हुए हैं, वहाँ से पानी फिल्टर होके टाउन बाय टाउन हर सिटी सॉरी हर मोहल्ले में जाता है हमारे सिटी का ना, टाउन बाय टाउन बकायदा लाइन पड़ी हुई है इसकी। तो इस तरीके से हमारे घरों तक हिफाजत महफूज तरीके के साथ पानी पहुंचता है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ मेन बताने वाला हूं, जो फकीर वाली की है, इतने बड़े प्लांट यहां पे लगे हुए ठीक है, लेकिन पानी टाइम से नहीं पहुंचता भाई अहमद। हाँ ये है, ये बात बिल्कुल माननी पड़ेगी कि ये बहुत मसला है हमारे सिटी में पानी का, बहुत ज़्यादा मसला है। अभी तकरीबन सारा साल ही ऐसे रहता है, कभी आ गया कभी चला गया, तो जब जाता है वो तो ठीक जाता है, लेकिन बहुत ना कमी रहती है पानी की तकरीबन। अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, देख ले पानी नहीं है, बहुत कम। और तो अब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो अभी हम निकलने लगे हैं यहाँ से, तो पानी वगैरह पीते हैं जाके। लोगों को दूसरा प्लांट भी दिखाएंगे जो फकीर वाली का है, तो चलते हैं। इस ऑफिसर ने हमें रोककर हमारा कैमरा बंद करवा दिया, हमसे पौना घंटा बहस की, हमारे मोबाइल ले लिए, हमारे आईडी कार्ड चेक किए, उन्हें स्कैन किया, फिर बड़ी सिफारिशों के साथ हमें छोड़ा। तो मेक श्योर आप अगर कभी व्लॉग करते हो तो मिलिट्री बेस की ऐसे वीडियो ना लें। लेकिन मैंने कुछ फुटेज ली है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये वीडियो किसी भी टेररिज्म एक्ट पर बेस नहीं है, तो आप लोग देख सकते हो। और प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू।
में डाल दी भाई अहमद ने। अब मोटरसाइकिल भी नहीं, बस चाहिए बहुत सारे चेक करो, पर साढ़े व्यूवर तो नहीं चेक करो जी। बिल्कुल, क्या माहौल है, क्या मतलब यहाँ पे बच्चे ना आ रहे हैं, गर्मी अपने अरूज पर है। लड़के तो चल रहे हैं, पीछे रह गया फौजी को कैंट, और यहाँ पे साइड पे नहर है, यहाँ पर आ गया। अच्छा भी नहा रहे हैं, और वो रहे भाई अहमद नलके पे मुंह धो रहे हैं। सर धो लिया मुंह? हां जी सर, वेरी गुड। तो ना तुसी? हां जी, आ जाओ। हां जी अहमद भाई। जी भाई, गर्मी का क्या माहौल है? गर्मी अपने फुल अरूज पर है। तकरीबन मैंने जब घर से निकला तो मैंने देखा था 34 डिग्री पड़ रही थी यहां पे, तो तकरीबन 40 हो गई। सूरज हमारे बिल्कुल सर के ऊपर है। ओके जी, फ्रेश। तो लो जी, अभी हम फ्रेश हो गए, मुँह धो लिए, और 45 डिग्री तो आम बात है यहाँ पे पड़ती है ना गर्मी। ओपन एरिया फ़कीर वाली का टिब्बा इसे बोलते हैं, जो पूरा आप एरिया देख रहे हो ना, इसे बोलते हैं टिब्बा। अभी 1 से 2 मिनट हुए मुँह धोए हुए, और मतलब कि पूरा सूख गया, इतनी गर्मी पड़ रही है। और ये हमारी लैम्बोर्गिनी भी सांस ले ली है, सीट तो फुल गर्म हुई पड़ी है ना इसकी। इधर आपने बैठना, इधर मैंने बैठना, यहाँ पे ज़्यादा गर्म है, यहाँ पे कम गर्म है, क्योंकि आप ज़्यादा गर्म बंदे हैं, मैं ठंडा बंदा। हाँ मैं हॉट हूँ ना। तो धूप से बचने के लिए मैंने शेड लगा लिए, और अहमद के भाई के पास ये वाइट वाले हैं। चलेंगे? हाँ चलो। तो अभी मैं वीडियो बना रहा, तो भाई अहमद ने बताया कि यहाँ पे ना उड़ सागर करके हेलीपैड है, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। ये फौजियों के जहाज ही वहाँ पे लैंड करते हैं। फौजियों की मतलब कि जो होते हैं ना हेलीकॉप्टर वगैरह जो होते हैं वहीं पे लैंड होते हैं। तो यार इतनी गर्मी लग रही है ना, वो बादशाह का गाना याद आ रहा है, हाय गर्मी हाय गर्मी। और ये फर्स्ट गेट जो है शोनी का, ये देखो हेलीपैड, वो रहा हेलीपैड। ये हम हैं, ये हमारी फौज है, और ये पार्टी हो रही है। यार एक जो चीज़ है ना वो फकीर वाले की, कोई बात नहीं करता उस टॉपिक पर, यहाँ का जो पोल्यूशन है, ठीक है, इतना पोल्यूशन हुआ पड़ा है ना यहाँ पे, सांस लेना मुश्किल है सही से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है, और जो गाड़ी का धुआं है, जो भी पोल्यूशन है, सारा मुँह पे आके लगता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है यार। आपके सामने सारा कुछ आप देख सकते हैं, इतनी पोल्यूशन है कि एक बंदे के ऊपर तकरीबन कल 1 किलो मट्टी जो है ना वो दिन में पड़ी जाती है आराम से, जो गुजरते हैं लोग या जो दुकानदार हैं बेचारे। और ये फकीर वाली का दूसरा जो है फिल्टर प्लांट आपको दिखा रहा हूँ मैं,
जी भाई अहमद सर देखने आपके सामने है दूसरा फिल्टर प्लांट है, लेकिन ये है कि ये हमारे इधर हमारा मोहल्ला है, टाउन हमारा है जहाँ पे हम रहते हैं, ये उसके बिल्कुल सामने है, लेकिन पानी फिर नहीं आ रहा, कभी कभी नहीं भी आता तो हम बाल्टियों से ले जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा नाकाम है, वो जो आपको पहले दिखाया था ना वो कामयाब है, समझ रहे हैं। ऊंची दुकान ठीक है पकवान, हाँ देखो ऊंची दुकान ठीक है पकवान, पंजाबी जी कहते ना भुख लगी हुई बंदा मिर्चना भी खा लेता है, वो हिसाब तो जी खाना खा के हम हो गए फ्री, तो मज़ा नहीं आया यार, खा तो लिया हमने, ओ नहीं 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 बेहतर की जरूरत भाई, हमें दिल्ली में जाना था हमने, नहीं नहीं ये ठीक है यार, वहाँ पे मैंने एक बंदे के पैसे दे, अच्छा। और ये फकीर वाले का आपद मैरिज हाल आजकल भाई अहमद यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ठीक है यार आज की वीडियो यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को तो लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।